आप सभी प्रतिभागियों का इस प्रशिक्षण में हार्दिक स्वागत है। मेरे मंच पे आसीन मैनेजर साहब, बीपीओ साहब, अनूप जी, हमारी आरती डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, गुलनाज प्रशिक्षण देने वाली आपकी ब्लॉक मैनेजर सरिता जी, और हमारे राज शेट्टी से जो पधारी हैं, क्या नाम है, कविता जी। आज का जो सत्र आपका प्रारंभ हो रहा है, इसके लिए हम लोग अपना समय मिल गया आप लोगों के बीच आने का, नहीं तो वैसे उलझे रहते कहीं ना कहीं। तो हम चाहते हैं कि जो आज से जो आप सत्र प्रारंभ करें, अभी आपको मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ों की जानकारी नहीं है, और यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है 6 दिन रह करके जो है हर चीज़ों का जो है वो अवलोकन कराया जाएगा, बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप कितना सीखते हो, कितना आप उसको ग्रहण करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चूँकि हम लोग का जो ये प्रशिक्षण देने का उद्देश्य ये है कि हमारा जो SHG का रिकॉर्ड है या VO का रिकॉर्ड है या CLF का रिकॉर्ड है वो एकदम से अद्यतन रहे, उसकी लेखा जोखा अच्छा रहे, हिसाब किताब पूरा दिखाई देना चाहिए। जब आप किसी का जमा करो, किसी का निकाल के दो, तो उसको जो पुराना हिसाब पूरा समझा दो। जब आप मीटिंग करो तो उसको बता दो कि साहब तुम्हारा बैलेंस शीट ये है, इस ग्रुप पे इतना शेष है, इस ग्रुप पे इतना शेष है, इस पे इतना शेष है, और जो है ब्याज इतना है और देनदारी इतनी है। ये सब चीजें जो आपको आनी चाहिए, बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए, आपको कार्रवाई रजिस्टर में कार्रवाई लिखी रहनी चाहिए। जिस दिन भी आप जो किसी ग्रुप की बैठक करो, किसी की जमा करो, तो उसको उसी दिन लेजर में जो है चढ़ा देना चाहिए, ठीक है। रिकॉर्ड कीपर जो है हमारी इस कार्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। अगर ये हमारा काम सही कर गया तो हमारे ग्रुप को कोई डाउन कर ही नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। और अगर यही बिगड़ गया तो उसे चाहे कोई कितने इंजेक्शन लगाए वो ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं कि इसको सही से प्रशिक्षण दिलवाया जाए, उसको सही से, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही बात उसको दोबारा पूछिए, सारे रिकॉर्ड क्या क्या होते हैं कागज में लिख लीजिए, ठीक है। और वो अगर मान लिया आपने देखे भी नहीं तो यही प्रैक्टिस करिए, एक वो एडी साहब इनको एक सेट दिलवा दीजिएगा, उसी से प्रैक्टिस करेंगे लोग जो है। मेरा नाम आरती वर्मा है, मैं DMM SISD के पद पर जिला बिजनौर में पदस्थ हूँ, और आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, ठीक है, आगे भी होती रहेगी। बस ये है कि आप जिस उद्देश्य से आए हो उस उद्देश्य पर ध्यान रखते हुए बहुत अच्छे से सीखे और जाके फील्ड में उतने ही अच्छे से काम करिए, तभी आप सीख पाएंगे और आगे जो भी कैडर निकलेगा उसमें आगे भी आप चयन हो पाएंगे। तो अपने उद्देश्य पर कॉन्सेंट्रेट रखिए। यहाँ उपस्थित सभी दीदी को मेरा नमस्ते है। मेरा नाम गुलनाज है और मैं ब्लॉक कोतवाली में SISD BMM के पद पर कार्यरत हूँ, और यहाँ आप दीदी सब दीदी को 7 दिन से आवासीय VOBK का प्रशिक्षण देने के लिए। सभी दीदियों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम सरिता है, मैं नूरपुर ब्लॉक के ग्राम फतेहाबाद से हूँ, और मैं BRP हूँ MFFI से, और आप लोगों को यहाँ 7 दिवसीय आवासीय ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर हम देने के लिए आए हैं। जो यहाँ पे बताया जाए उसको अभिलेखों को रख के लेके जाए, अपना उसको फिर बाद में भी प्रैक्टिस करें, ठीक है, लिख लिख करके देखें। अगर आप जो है कोई राइटिंग कर रहे हो तो उसमें कटिंग करने की कोशिश कम करें, अभिलेख जो आपका सही शुद्ध होना चाहिए। यदि कटिंग कहीं हो भी जाती है तो उसको पूरा काट करके दूसरा शब्द लिखें, ठीक है, और वो जो शब्द लिखो वो जो है स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, और जो काट रहा है वो अपना साइन करें वहां पे। विपिन कुमार नाम है मेरा। तो बैंकिंग क्या है कि अभी हम क्या करते हैं, गांव देहात में अभी बैंकिंग का इतना भी स्कोप नहीं है, वहां लोग बाग अभी जानते नहीं है, और सिटी में 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर ऐसी अपनी बैंक की ब्रांचेज हैं। तो हम ये ला रहे हैं कि हम गांव-गांव में बैंकिंग का प्रचार कर रहे हैं कि आप लोगों को गांव में ही सारी फैसिलिटी मिले बैंकिंग की। तो उसी के लिए हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ट्रेनिंग भी चल रही है, BC सखी का जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। तो उसमें क्या रहेगा, उसमें जो भी बैंकिंग की फैसिलिटी है, जैसे कि आप आधार कार्ड से पैसा विड्रॉल करते हो
ठीक है। तो आधार कार्ड से विड्रॉल आप गांव में ही कर सकते हो, आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर जाने की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए तक आप आधार कार्ड के थ्रू एक दिन में विड्रॉल कर सकते हो। आप ATM से विड्रॉल कर सकते हो, उसके थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हो। आपको कहीं पैसा भेजना है तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं, पोर्टल के थ्रू आप भेज सकते हो, ठीक है। आप खाता खोल सकते हो गाँव में ही, तो इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हो, बिल पेमेंट करना है बिल पेमेंट कर सकते हो, बिजली का बिल हो गया और रिचार्ज हो गए, ये सारी फैसिलिटी एक ही गांव में एक मिल जाएगी आपको। कहीं सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, 10 से 12 किलोमीटर जाना है या 15 किलोमीटर जाना है, तो ये भी एक रोजगार का ऑप्शन है आप लोगों के लिए। एक एक करके अपनी मर्जी से नाम लिखवा देना दीदी कि हाँ मैं इस टीम में हूं, तो कर रहा हूं मैं रिंकम सिंह लक्ष्मी देवी को मिल गए, संगीता सिंह भूपेंद्र सिंह हो गए, पिंकी चौहान, पिंकी चौहान, रेणु दुष्यंत कुमार। मेरा नाम दिव्या शर्मा है, मैं ब्लॉक रतपुर से हूँ और मेरे गांव का नाम चितावर है। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो भी कुछ सीखा है, मैं अपनी जैसे ग्राम संगठन की मीटिंग होगी अपनी दीदियों को उस बारे में सब कुछ बताऊंगी, उन्हें समझाऊंगी और उसी तरह से अपनी मीटिंग करूंगी। मैंने जैसे कि यहाँ पे सीखा है कि जैसे जो भी है लेखपाल के क्या कार्य होते हैं और जैसे रजिस्टर वगैरह कैसे लिखे जाते हैं, कैसे मीटिंग होती है और हमारी जैसे उप समिति बनाई जाती है उनके क्या कार्य होते हैं, जैसे अध्यक्ष है, सचिव है, कोष अध्यक्ष है और जो हमारे जितने भी अध्यक्ष हैं उनके बारे में जो मुझे पता है मैं उन्हें सब कुछ बताऊँगी। सब दीदियों को मेरा नमस्ते, मेरा नाम रविता है और मेरे गांव का नाम कुतुबपुर, मेरे समूह का नाम गायत्री है और मेरे ग्राम संगठन का नाम उजाला है और मैं नजीबाबाद ब्लॉक से आई हूँ। जैसे कि मतलब हमारी दीदी ने हमें सिखाया है, हमारी जितनी मतलब ग्राम संगठन में पुस्तिका होती हैं उनको कैसे लिखना है और कैसे मतलब हमें ग्राम संगठन की बैठक करानी है, किस तरह मतलब रोकड़ भाई मतलब कैसे बनानी है, उसमें कैसे ऋण वापसी लेना है और किस तरह मतलब उन्हें सब मतलब सारी बातें उनको हमें बतानी है ग्राम संगठन की मीटिंग में। लेखांकन की पुस्तिका हमारी 7 पुस्तिका होती है, रोकड़ भाई, सामान्य भाई खाता और कार्यवाही पुस्तिका, ऋण पुस्तिका, बचत पुस्तिका और DCB चेक पुस्तिका, ये सारी पुस्तिकाएँ।